असल स्टूडेंट्स क्लास सेवेंथ अपनी साइंस की बुक देखी प्रोग्रेसिव साइंस इसमें हम लोग स्टूडेंट्स अपना फाइनल का सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कंटेंट्स के साथ मेरे साथ चैप्टर्स चेक कर लिएसन नंबर फिफ्टीन लाइट लेसन नंबर सिक्सटीन वाटर और लेसन नंबर सेवनटीन फॉरेस्ट एंड दियर कंजर्वेशन ये थ्री चैप्टर जो हैं ये हमें अपने फाइनल uh, एग्जाम के लिए यानी कि एस ए के लिए कंप्लीट करने हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो सभी लोग मेरे साथ लेसन नंबर सबसे पहले फिफ्टीन uh, निकालें लेसन नंबर फिफ्टीन क्या है लाइट ठीक है पार्ट नंबर टेन तक हम लोग का कंप्लीट हुआ था अब यहाँ से हम पार्ट नंबर अपना लेवन स्टार्ट करेंगे ठीक है पी ए टू तक हमारा पार्ट नंबर टेन तक कंप्लीट हुआ था तो लेसन नंबर 15 निकालें लाइट पेज नंबर है 138 पेज नंबर 138 लेसन नंबर 15 पार्ट नंबर यहां शो करेंगे 11 ठीक है स्टूडेंट्स और यहां पर डेट शो करनी है देखिए चैप्टर का नेम है लाइट लेसन प्लान चेक कर लेते हैं सबसे पहले लाइट सभी जानते हैं रोशनी को कहते हैं कहाँ कहाँ से हमें लाइट मिलती है ये सब हम लाइट से रिलेटेड चीज़ें इसमें पढ़ेंगे लेसन प्लान है रेक्टीलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एज लाइट रियल एंड वर्चुअल इमेज मिरर्स एंड इमेज लेंसेज एंड इमेज फॉर्मेशन इन अ लेंस वाइट लाइट कंपोस्ट ऑफ मैनी कलर्स डिस्पेंसिंग ऑफ लाइट ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं फर्स्ट हमारा रेक्टीलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेन वी स्विच ऑन अ टॉर्च इन अ डार्क देखिए सेम पेज नंबर है पेज नंबर वन थर्टी एट कह रहे हैं वैन वी स्विच ऑन अ टॉर्च इन अ डार्क रूम वी कैन सी अ बीम ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट कह रहे हैं जब आप देखेंगे एक अंधेरा कमरा हो उसमें आप एक टॉर्च लेकर जाते हैं तो आपको उस टॉर्च की एक बीम ऑफ लाइट नज़र आएगी जो ऑब्जेक्ट पर जहाँ पर भी आप उसको डालेंगे पड़ेगी इमेज पर दिस बीम ऑफ लाइट इज़ ऑलवेज स्ट्रेट कह रहे हैं वो जो बीम ऑफ लाइट होगी वो हमेशा सीधी होगी एंड नॉट कर्व ऑन ज़िगज़ैक और जिगजैक मीन्स इस तरह से वो कर्व में नहीं होगी बिल्कुल स्ट्रेट पड़ेगी सपोज आपके यहाँ टॉर्च है यहाँ पर आपकी इमेज है तो ये लाइट बिल्कुल सीधी स्ट्रेट जाएगी दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच स्टेट्स दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्टेट लाइन कह रहे हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइट की कि लाइट जो है वो हमेशा से ट्रैवल करती है सीधे रास्ते पर इट इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिलीनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट और इसी को हम क्या कहते हैं रेक्टिलीनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट यानी कि लाइट का बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी दैट शेडोज आर फॉर्म्ड वेन लाइट फेसेज एनी ऑब्स्ट्रक्शन कह रहे हैं कि इसी प्रॉपर्टी से जो शेडो होती है इमेज की वो फिर हमारी फॉर्म होती है ठीक है नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इफ वी थ्रू टेनिस बॉल एट अ वॉल कह रहे हैं अगर आप एक टेनिस की बॉल है उसको फेंकते हैं वॉल पे देन दी बॉल बाउंसिस बैक बॉल जो है वो वापस से वापस आ जा यानी कि दोबारा से वापस आ जाती है दिस मीन्स दैट वैन दी टेनिस बॉल स्ट्राइक्स द वॉल इसका मतलब ये हुआ कि जब टेनिस बॉल है वो वॉल से टकराई द वॉल सेंट्स इट बैक तो वॉल ने उस बॉल को वापस से दोबारा भेज दिया सिमिलरली इसी तरह से वन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसी तरह से जब लाइट जो है किसी सरफेस पर पड़ती है ऑब्जेक्ट के द ऑब्जेक्ट सेंड द लाइट बैक तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट को दोबारा से बैक करता है दिस प्रोसेस इज सेंडिंग सॉरी द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेस विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह रहे यही जो प्रोसेस है लाइट का वापस से सेंड होना ऑब्जेक्ट से टकराकर इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि लाइट का रिफ्लेक्ट होना वी हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेज दैट वी कैन सी आवर इमेज इन अ वेल पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रहे कि हम अपनी पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि वी कैन सी आवर इमेज कि हम अपनी इमेज देख सकते हैं इन अ वेल पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस एक शाइनिंग सी सरफेस यानी कोई चमकदार सी चीज़ हो तो हम उसमें अपनी खुद की इमेज देख सकते हैं ड्यू टू किसकी वजह से क्योंकि वो जो इमेज है वो जो सरफेस है शाइनिंग सरफेस जो है वो हमारी लाइट को इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है ठीक है फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल कह रहे हैं वी कैन सी द इमेज ऑफ अवर फेस इन अ मिरर जैसे कि हम अपनी इमेज को फेस जो हमारी इमेज है उसको देखते हैं हम किसमें एक मिरर के अंदर तो ये क्या है मिरर जो है वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये क्या प्रोसेस कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पेज नंबर 138 कंप्लीट हुआ नेक्स्ट कम्प्लीट स्टूडेंट्स पेज नंबर है 139 ये एक्टिविटी है ये आप लोग रीड कर ठीक है नेक्स्ट है रियल एंड वर्चुअल इमेज अब रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है फर्स्ट है रियल इमेज द इमेज विच कैन बी ऑप्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज जो स्क्रीन पर हमें ऑप्टेंड हो रही है वो हमारी कहलाती है रियल इमेज ठीक है नेक्स्ट है रियल इमेज इज़ ऑलवेज़ इन्वर्टेड रियल इमेज जो होगी वो हमेशा ही इन्वर्टेड होगी इट इज़ फॉर्मड ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर मिरर के सेम साइड में फॉर्म होगी वेयर आर दी ऑब्जेक्ट डिस्प्ले जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो रखा गया है द इमेज ऑफ़ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस ऑन द स्क्रीन इन अ सिनेमा हॉल आर रियल इमेज जो हमें इमेज दिखाते हैं एक्टर्स और एक्ट्रेस की स्क्रीन पर सिनेमा हॉल के अंदर वो कैसी इमेज होती है रियल इमेज नेक्स्ट है वर्चुअल इमेज द इमेज विच कैन नॉट बी ऑप्टेन ऑन आई स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज वो इमेज जो स्क्रीन पर ऑप्टेन ना हो वो क्या कहलाती है हमारी वर्चुअल इमेज कह रहे हैं वर्चुअल इमेज इज़ ऑलवेज इरेक्ट वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होगी इट इज़ ऑलवेज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर इट मीन्स कि वो हमेशा मिरर के पीछे बिहाइंड होगी यानी कि फॉर्म होगी अवर इमेज इन अ प्लेन मिरर इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज कह रहे हैं कि जो हम प्लेन मिरर में अपनी जो इमेज देखते हैं वो एग्ज़ाम्पल है वर्चुअल इमेज अपोजिट देखती है उसमें ठीक है नेक्स्ट है मिरर्स एंड इमेज मिरर्स आर स्मूथ सरफेसेज ऑफ ग्लास विच आर मेड रिफ्लेक्टिंग बाई दी पॉलिशिंग दैम सिल्वर ऑन वन साइड कह रहे हैं मिरर जो होते हैं वो एक स्मूथ सरफेस है गिलास का जो किससे बना हुआ है रिफ्लेक्टिंग से उसके अंदर क्या चीज़ें पीछे पॉलिश की गई है सिल्वर की वन साइड एक साइड में एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर हैज़ इट्स इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन तो वो जो ऑब्जेक्ट हमें मिरर के सामने दिखती है वो किसकी वजह से दिखती है रिफ्लेक्शन की वजह से ठीक है नेक्स्ट है द मिरर इन विच यू लुक एट योर सेल्फ इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर और जिस मिरर में हम खुद को देखते हैं वो कौन सा मिरर कहलाता है प्लेन मिरर ठीक है अ प्लेन मिरर इज़ अ फ्लैट स्मूथ ग्लास सरफेस विच इज़ पॉलिश सिल्वर ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस प्लेन मिरर जो है वो एक फ्लैट स्मूथ ग्लास सरफेस है जिसके पीछे किस चीज़ की पॉलिश है सिल्वर की एक साइड पे द अदर फेस इज़ यूज एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक साइड पे सिल्वर की पॉलिश है और दूसरा साइड हम उसको देखने के लिए यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट अ प्लेन मिरर एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय इट कह रहे हैं कि आप जो है अगर इससे ज़्यादा समझना चाहते हैं तो इसको देखिए लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी ये एक्टिविटी भी आपको रीड करनी है ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट है केयरफुली नोट द साइज ऑफ टॉय एंड साइज ऑफ़ इट्स इमेज इसी एक्टिविटी से रिलेटेड यहाँ पर बता रहे हैं कह रहे हैं आप ध्यान से देखिए साइज को किसके साइज़ को टॉय के साइज़ को और इमेज के साइज़ को डू दे अपियर टू बी इक्वल क्या ये एक, एक जैसे बराबर दिख रहे हैं यानी कि टॉय का साइज़ और जो इमेज में टॉय का साइज़ दिख रहा है क्या वो दोनों सिमिलर हैं सेम है, same है? यस यू आर राइट हाँ वो बिल्कुल बराबर दिख रहे हैं ऑल्सो नोट दैट द इमेज इज एंड ब्राइट इमेज जस्ट एज द टॉय इमेज कह रहे हैं आप देखिए कि जो इमेज दिख रही है हमें ट्राई uh, की वो एग्जैक्ट सेम इमेज है नाउ विंड द की ऑफ टॉय जस्ट अ लिटल विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स पोजिशन अब आप बगैर डिस्टर्ब करें टॉय को उसकी पोजिशन को डिस्टर्ब करे हुए कह रहे हैं द टॉय वुड मूव इट्स आर्म अल्टरनेटली एंड द सेम वुड हैपेन टू द इमेज एज वेल कह रहे हैं टॉय जो है वो अल्ट अपना हाथ जो है वो अगर मूव करेगा तो जो इमेज हमें नज़र आ रही है मिरर में वो भी ख़ुद ब खुद बाखुद अल्टरनेटली मूव हो जाएगी वॉच दी टॉय एंड इट्स इमेज वेरी केयरफुली कह रहे हैं कि इस टॉय को और जो टॉय की इमेज पड़ रही है प्लेन मिरर पे उसको बहुत ध्यान से देखिए यू विल ऑब्जर्व दैट वेन दी लाइट आर्म ऑफ द टॉय मूव्स अप कह रहे हैं आप ये देखेंगे कि जब राइट आर्म टॉय का सीधा हाथ अगर आप मूव करते हैं द इमेज लिफ्ट अप पेज पेज नंबर नंबर नेक्स्ट आ जाइए है 140. अगर मूव होगी एंड वेन दी ट्राइ लिफ्ट अप आर्म इट इज राइट आर्म तो right और जब आप ट्राय का लेफ्ट आर्म मूव करेंगे तो इमेज में कैसा दिखेगा कि आप राइट आर्म आर्म को मूव कर रहे हैं विच गोज अप इन द मिरर ठीक है ईच पार्ट ऑफ़ दिस एक्टिविटी लीड्स अस टू अंडरस्टैंड वन फीचर ऑफ द इमेज तो ये हमें क्या बता रही है कि इमेज जो है वो किस तरह से हमें फॉर्म होगी नेक्स्ट है फेरिकल मिरर्स ऑल दी मिरर्स आर नॉट इस्ट्रेट लाइक प्लेन मिरर कह रहे हैं प्लेन मिरर की तरह सभी जो मिरर्स होते हैं वो स्ट्रेट नहीं होते हैं इवन दी पॉलिश एंड स्मूथ कर सरफेस एक्ट एज मिरर यहाँ तक कि जो पॉलिश होते हैं या स्मूथ कर सरफेस हैं वो भी एक्ट करते हैं मिरर की तरह सच मिरर्स आर कॉल्ड कर्व मिरर्स और उन इस तरह के मिरर्स को हम कर्व मिरर्स कहते हैं और स्फेरिकल मिरर्स स्फेरिकल मिरर्स को ही हम क्या कह रहे हैं कर्व मिरर्स ठीक है सी यू आर वी ई डी कर्व मिरर्स आफ्फेरिकल मिरर is that mirror whose स्मूथ एंड polished reflecting सरफेस इज़ अ curved सरफेस कह रहे स्फेरिकल मिरर जो होता है इसमें जो स्मूथ और पॉलिश सरफेस है वो क्या होती है कर्व सरफेस वाली जो इस पार्ट होता है वो क्या होता है स्मूथ और पॉलिश होता है इस्फेरिकल मिररर्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स इस्फेरिकल मिररर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं फर्स्ट है कॉन्केव मिररर और सेकेंड है कॉन्वेक्स मिररर अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्केव मिररर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कैसी होनी चाहिए कर्व हो इनवर्ट अंदर की साइड वो क्या कहलाती है कॉनकेव मिररर सेकेंड है इन दिस काइंड ऑफ मिररर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कॉनकेव स मिररर यानी कि कह रहे हैं स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो कर्व होगा अंदर के साइड यानी कि ये होगा ये हमारा है कॉनकेव मिरर ठीक है कह रहे हैं इस तरह की जो मिरर होती है द रिफ्लेक्टिंग लाइट दैट टेक प्लेस एट कॉनकेव सरफेस ऑफ द मिरर कॉनकेव सरफेस पर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी नेक्स्ट सेकंड है कॉन्वेक्स तो कॉनकेव में क्या है इनवर्ड वो उसकी मिरर होगी नेक्स्ट है कॉन्वेक्स अस्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी कॉन्वेक्स मिरर की वो कहाँ पर होगी आउटसाइड बाहर के साइड यानी कि ये आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर और इसको हम क्या कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर यानी कि जो इनसाइड होगी हमारी रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो हमारी कॉन्केव मिररर और जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगी वो हमारी कॉन्वेक्स मिरर इन दिस काइंड ऑफ मिरर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट कॉन्वेक्स सरफेस और इस तरह की मिरर में जो रिफ्लेक्शन होगा लाइट का वो कहाँ पर सरफे टेक प्लेस करेगा कॉन्वेक्स सरफेस पर और कॉन्केव में कॉन्केव सरफेस पर ठीक है नेक्स्ट है नेचर ऑफ इमेज फॉर्मड इन प्लेन मिरर कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर ये आपको रीड करना है चार्ट है आपको बताना है कि या आपको इमेजेस इमेज है ये प्लेन मिरर होंगी या कॉनकेव होंगी या फिर कॉन्वैक्स में क्या होंगी ठीक है नेक्स्ट है लेंसेज वैन वी आर एब वैन वी आर नॉट एबल टू सी फार ऑफ थिंग्स नियर बाई क्लियरली यानी कि जब हम दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते हैं साफ क्लियरली वी विजिट एन आई स्पेशलिस्ट तो हम आई स्पेशलिस्ट यानी कि जो आई के डॉक्टर होते हैं उसके पास जाएंगे द डॉक्टर अवर आवर साइट एंड इफ़ रिक्वायर्ड सजेस्ट द यूज़ ऑफ़ स्पेक्टिकल्स स्पेक्टिकल्स कहते हैं चश्मे को कह रहे हैं तो डॉक्टर जो हैं वो हमें चेक करेंगे हमारी आई साइड रोशनी आंख की और हमें वो क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें स्पेक्टिकल्स यूज़ करने चाहिए यानी कि चश्मे का यूज़ करना है स्पेक्टिकल कंसिस्ट ऑफ टू कर स्पेक्टिकल्स में दो करव लेंसेज होती है ग्लासेज होती है जिनको हम लेंस कहते हैं ठीक है नेक्स्ट है अ लेंस कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम कह रहे हैं जो लेंस है वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है हैविंग जिसके पास क्या है वन फ्लैट और वन कर्व सरफेस है बोथ कर्व सर्फेसिस और या फिर दोनों ही कर्व सर्फेस हैं लेंसेज जो हैं जो दो कर्व सर्फेसिस से बनी हैं वो भी टू टाइप्स की हैं कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव यानी कि कॉन्वेक्स लेंस मिरर भी टू टाइप्स के हैं कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर लेंसेज हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस फर्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स और और कन्वर्जिंग लेंस इज थिक इन द मिडिल एंड कह रहे हैं कॉन्वेक्स या फिर कन्वर्जिंग लेंस जो होती हैं वो थिक होती हैं कहाँ से मिडिल से इट मीनस अंदर से एंड मिश्रा जी पेज नंबर 141 एंड थिन एट द एज और कोनों से कैसी होती हैं वो थिन होती हैं यानी कि पतली होती हैं बीच में से मोटी होंगी और साइड से पतली इट कैन बी मेड बाय ज्वाइनिंग टू कर सरफेसिस कैसे बनाई जाती हैं दो कर सरफेसिस को ज्वाइन करके अ कॉन्वेक्स लेंस यूजली मैग्नीफाइज इमेज कॉन्वेक्स लेंस की कैसी इमेज होती है मैग्नीफाइंग इमेज क्या अब नेक्स्ट है कॉन्केव लेंस अब कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंस इज़ द थिन इन द मिडिल कॉन्केव लेंस जो होती है वो हमारी मिडिल से थिन होगी और थिक होगी हमारी साइड से ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर थ्रू कॉन्केव लेंसेज कॉन्केव लेंसेज से हमें जो ऑब्जेक्ट है वो कैसी नज़र आती है छोटी अनलाइक मिरर्स वेयर लाइक इज़ रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस कह रहे हैं लाइक मिरर जो होते हैं यानी कि जहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है सरफेस पर लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट विद लाइट पासिंग थ्रू देम लेंसेज होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं जिसकी जिसकी वजह से लाइट जो है वो उसके अंदर से पास हो जाती है एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड और फिर वो रिफ्लेक्ट करती है यानी कि हम उसको देख सकते हैं पैरलर रेज पासिंग थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस कह रहे हैं पैरलर रेज जो हैं वो पास होती हैं कॉन्वेक्स लेंस से कन्वर्स टू अ पॉइंट नोन एज प्रिंसिपल प्रिंसि प्रिंसिपल फोकस और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ डाइवर्जिंग और कॉनकेव लेंस कह रहे हैं डाइवर्जिंग यानी कि कॉनकेव लेंस के केस में द रेज ऑफ लाइट डू नॉट एक्चुअली मीट जो लाइट की जो रेज होती हैं वो कभी नहीं मिलती मीट मीन्स मिलना बट लेकिन अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड लेकिन वो कहाँ पर अपीयर होती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस देखिए प्रिंसिपल फोकस कहलाता है वो किसका कॉनकेव लेंस का ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस अब नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन इन अ लेंस अब लेंस में किस तरह से इमेज फॉर्म होती है द इमेज फॉर्मड विद अ कॉन्वेक्स लेंस वेरीज विद द चेंज इन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस कह रहे जो इमेज फॉर्म होती है कॉन्वेक्स लेंस में वो किस पर वेरी करती है कि जो डिस्टेंस है हमारी लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की हाईओवर विद अ कॉन्केव लेंस दी इमेज फॉर्म इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज अपराइट एंड वर्चुअल इनरेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस कह रहे हैं कॉन्केव लेंस में जो इमेज होगी वो हमेशा स्मॉल हमें साइज में नजर आएगी ठीक है टू ऑब्जर्व द इमेज फॉर्मेशन विद अ कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वैक्स लेंस में अगर आपको ऑब्जेक्ट देखनी है वी माउंट द लेंस ऑन अ लेंस होल्डर एंड प्लेस अ लाइटेड कैंडल ऑन वन साइड ऑफ द लेंस तो आप उसको क्या करें लाइटेड कैंडल पर एक साइड उसकी रखें लेंस की ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस अ वाइट स्क्रीन इज प्लेस्ड दूसरी साइड पर आपकी वाइट स्क्रीन रहेगी नाउ एडजस्टिंग द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस अब लेंस से जो कैंडल की डिस्टेंस है उसको एडजस्ट करिए वी गेट एन इमेज ऑफ द कैंडल ऑफ द स्क्रीन तो आपको एक इमेज नजर आएगी कैंडल की किस पर स्क्रीन पर नेटिशन की क्या होगी रीड करनी है ठीक है ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज इज फॉर्म कह रहे हैं इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला की जो ऑब्जेक्ट जो है इज वेरी क्लोज होगी कॉन्वेक्स लेंस के वर्चुअल इमेज तो हमें क्या फॉर्म होगी एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी विच इज़ अपराइट एंड मैग्नीफाइड जो कैसी होगी मैग्नीफाइड होगी इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस और ये लेंस के सेम साइड पर फॉर्म होगी दिस टाइप ऑफ इमेज विच इज़ फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस इज़ यूज कह रहे हैं कि इस तरह की जो इमेज है जो फॉर्म हो रही है सेम साइड पर लेंस के उसको हम यूज करते हैं रियल स्मॉलर रेट लेटर टू स्क्रिप्ट यूजिंग इसके इस्तेमाल से मैग्नीफाइंग नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर है वन हंड्रेड फोर्टी टू एज द ऑब्जेक्ट इज मूव अवे फ्रॉम द लेंस कह रहे हैं जैसे कि आप ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं लेंस से द इमेज स्टार्ट बिकमिंग स्मॉलर इन साइज तो इमेज जो है वो छोटा होना छोटी होनी स्टार्ट हो जाएगी ठीक है एंड मूविंग क्लोजर टू द लेंस और वो कैसे मूविंग यानी कि क्लोज होती जाएगी किसके लेंस की द इमेज इज़ ऑल्सो रियल एंड इन्वर्टेड कह रहे इमेज जो होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है हमेशा वेन दी ऑब्जेक्ट इज़ फार अवे फ्रॉम द लेंस जब ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से फार इट मीन्स दूर होगा द इमेज इज़ वेरी क्लोज टू लेंस तो इमेज जो होगी वो लेंस के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएगी रियल और इन्वर्टिड भी होगी द ह्यूमन आई हैज़ इन बिल्ट कॉन्वेक्स लेंस कह रहे हैं ह्यूमन आई के पास इन बिल्ट कॉन्वेक्स लेंसेज प्रजेंट होती हैं वेन द रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन द आई जब रेज जो है लाइट की आंखों पर आकर पड़ती है आई लेंस पर इट फोकसेज आर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज तो वो फोकस जो होता है वो हमारा कैसा होता है हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज नजर आती है ऑन द रेटे रेटेना पर विच एक्ट एज अ स्क्रीन जो कैसा एक्ट कर रहा है स्क्रीन की तरह कौन है वो रेटेना तो रेटेना जो है वो किस तरह से एक्ट करता है एज अ स्क्रीन ठीक है नेक्स्ट है दी रेटिना इज कनेक्टेड टू द ऑप्टिक नर्व विच कैरी द इंफॉर्मेशन टू ब्रेन कह रहे रेटिना जो है वो कनेक्ट होता है ऑप्टिक नर्व से जो क्या कैरी करते हैं ब्रेन से इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं दी ब्रेन देन इंटर इन्फॉर्मेशन real इमेज और फिर जो हमें जब ब्रेन से हमारे इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो फॉर्म होती है रियल और इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की विद द करेक्ट साइज यानी कि एक्चुअल जो भी ऑब्जेक्ट का साइज होता है नेक्स्ट है वाइट लाइट इज कम्पोज ऑफ मैनी कलर वाइट लाइट के भी बहुत से कलर हैं तो ये पढ़ते हैं हम कौन कौन से कलर हैं हैव यू एवर सीन आर रेनबो इन द स्काई कह रहे हैं क्या आपने रेनबो देखा है स्काई में इट अपियर्स यूजली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो कह रहे हैं ये कब नज़र आता है बारिश होने के बाद जब सूरज हमारा हल्का हल्का निकल रहा हो इन द स्काई स्काई में बादल में इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन ये हमेशा हमें जिस साइड सूरज की रोशनी होगी उसके अपोजिट में ही नज़र आएगा इट इज़ सीन एज अ लार्ज आर्क इन द स्काई विध मैनी कलर्स कह रहे हैं इसको देखा गया है एक बड़ा सा आर्क होता है स्काई के अंदर जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं वैन ऑब्जर्व केयरफुली कह रहे हैं जब आपने बहुत ध्यान से देखें वी कैन सी सेवन कलर्स इन अ रेनबो थ्रो थ्रो इट मे नॉट बी ईजी टू डिस्टिंगविश ऑल ऑफ देन कह रहे हैं आपने देखा होगा अगर बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें hmm. रेनबो को स्काई में उसमें सेवन कलर्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन इसको बहुत इजीली अलग करना मुश्किल है देयर आर वायलेट वो कौन कौन से कलर हैं सेवन कलर रेनबो के वायलेट वी इंडिगो मतलब आई ब्लू बी ग्रीन जी येलो वाई ऑरेंज ओ रेड आर इन शॉर्ट फॉर्म अब इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी देखिए वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये सेवन कलर्स हैं किसके रेनबो की शॉर्ट फॉर्म क्या है वी I B G Y O आर इसको पढ़ते हैं हम विप ग्योर ठीक है नेक्स्ट है इन द रेनबो द रेड कलर अपीयर्स ऑन द अपर आर्क एंड द वायलेट कलर इन लोअर आर्क कह रहे हैं रेनबो में जो रेड कलर है यानी जो ये कलर है ये सबसे ऊपर होता है और जो ये फर्स्ट में हमें वायलेट गिवन है ये सबसे नीचे होता है लोअर आर्क सबसे नीचे इट लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ कॉम्पैक्ट डिस्क सी डी कह रहे हैं कि जो व्हाइट लाइट है जब रिफ्लेक्ट करती है सरफेस से कॉम्पैक्ट डिस्क के वी सी मैनी कलर्स, तो हमें बहुत सारे कलर्स नजर आते हैं वैन वी ब्लो सोप बबल्स कह रहे हैं आपने सोप साबुन के जो झाक होता है उसको देखा होगा दे अपियर कलरफुल वो हमें कैसा नज़र आता है कलरफुल ऑन दी बेसिस ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस वी कैन से दैट सनलाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स कह रहे हैं इन सभी को देख कर हम ये कह सकते हैं कि जो सनलाइट है वो मिक्सचर है बहुत सारे कलर्स का Isaac न्यूटन was the फर्स्ट साइंटिस्ट हु proved दैट वाइट लाइट इज मेड ऑफ सेवन कलर कह रहे हैं न्यूटन ने ये प्रूफ किया था कि जो वाइट लाइट होती है उसमें कितने कलर वो किससे बनी है सात रंगों से मिलकर बनी है ये भी एक्टिविटी है ये आपको रीड करनी है नेक्स्ट है दी फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स और पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है कह रहे हैं वो फिनोमेना जिससे लाइट जो है वाइट लाइट जो है स्प्लिट हो रही है इंटू इट्स कंपाउंड यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में जो पास हो रही है कि से एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जो क्या है एक ग्लास प्रिज्म है उस प्रोसेस को उस फॉर्मिला को हम क्या कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी कि वाइट लाइट से सेवन कलर्स का डिस होना ठीक है नेक्स्ट है दी बैंड ऑफ सेवन कलर्स फॉर्मड ऑन अ वाइट स्क्रीन कह रहे हैं अब जो बैंड है सेवन कलर्स का जो स्क्रीन पर फॉर्म हो रहा है वाइट स्क्रीन पर वेन वाइट लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म जब वाइट लाइट जो है पास होती है प्रिज्म से होते हुए इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट तो उसको हम क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट यानी कि जो सेवन कलर का बैंड है फॉर्म होता है वाइट स्क्रीन पर तो वाइट लाइट जो है वो पास होती है प्रिज्म से होती हुई उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट पेज नंबर 142 पे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ नेक्स्ट है पेज नंबर 143 एक्सरसाइजेस हैं यहाँ पर भी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 11 लिखेंगे फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन वन है व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ प्लेन मिरर जब लाइट जो है कह रहे स्ट्राइक टकराती है किसी प्लेन मिरर पे तो क्या होता है फर्स्ट इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इसमें अ बाउंस बैक इट स्कैटर्स इन ऑल डायरेक्शन इट इज एब्सॉर्ब बाय द सरफेस या नन ऑफ दीज तो जो लाइट है जब किसी प्लेन play, मिरर पर टकराती है तो वो वापस से बैक होती है ठीक है इट बाउंस बैक इट स्केटर्स इन ऑल डायरेक्शन यानी कि पूरे डायरेक्शन में फैल जाती है नहीं लाइट हमेशा सीधी डायरेक्शन में ही ट्रेवल करती है इट इज एब्जॉर्ब बाय द सरफेस सरफेस जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है नहीं नन ऑफ दीज नहीं क्या है जब लाइट जो है किसी प्लेन मिरर पर स्ट्राइक टकराएगी पड़ेगी जाकर तो इट बाउंस बैक यानी कि वो जो सरफेस है वो उसको वापस से पीछे कर देगा सेकेंड है इसमें फिर विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्टर इसमें से कह रहे हैं कि वो क्या है जो रिफ्लेक्टर नहीं है मिरर शाइनिंग स्टील स्पून तो ये भी रिफ्लेक्टर है शाइनिंग स्टील स्पून भी रिफ्लेक्टर है क्योंकि शाइनिंग की चीज है क्लीन क्लियर वाटर सरफेस भी रिफ्लेक्टर है वाटर में अगर आप देखें साफ पानी हो एकदम तो, तो उसमें भी आपकी इमेज नजर आएगी अब वुडन टेबल एक लकड़ी की टेबल लकड़ी की टेबल जो है वो आपकी रिफ्लेक्टर नहीं है क्योंकि इसमें से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी थर्ड है द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज़ कह रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर इन साइज या फिर ऑल ऑफ देम तो कॉन्वेक्स मिरर से जो हमारी इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है स्मॉल इन साइज फोर्थ है अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज मेड ऑफ़ कह रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो बना है किसका कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर कॉन्वैक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस तो मैग्निफाइंग ग्लास जो है वह बना है कॉन्वेक्स मिरर फिफ्थ है अकर्व मिरर कैन बी अव मिरर जो है वो क्या है कॉन्वेक्स मिरर है कॉन्केव मिररर है बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज तो कर मिरर जो है, वो क्या है कॉन्वेक्स मिरर नेक्स्ट है फिलिंदे ब्लैंस फर्स्ट है अर प्लेन मिरर प्रोड्यूस अर डैश इन्वर्टेड इमेज प्लेन मिरर जो है वो कैसी इमेज फॉर्म करता है रियल रियल इन्वर्टेड इमेज रियल और इन्वर्टेड इमेज सेकेंड है ह्यूमन आई फॉर्म्स एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन डैश आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस लेंस से जब पास होती है तो उसके बाद जो ह्यूमन आई है उसकी जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ पर होती है ऑन रेटेना रेटेना क्या है आई के अंदर का पोषण है ठीक है आर ई टी आई एन ए रेटेना रेटेना पर जाकर पढ़ती है ठीक है नेक्स्ट है थर्ड ईच आई हैज आ डैश लेंस कह रहे हैं कि जितनी जो हर एक आई है उसके पास क्या प्रजेंट है <laughs> कॉन्केव लेंस ठीक है सी ओ एन सी ए वी ई कॉन्केव लेंस फोर्थ है अ कॉन्केव मिररर कैन प्रोड्यूस अ डैश रियल एंड डैश इमेज डिपेंडिंग अपॉन दी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी मिरर कह रहे हैं कि जो कॉन्केव मिररर है वो प्रोड्यूस कर सकता है कैसी रियल और कैसी दूसरी इमेज जो डिपेंड करती है डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है किससे मिरर से तो वो क्या है प्रोड्यूस अ इमेज कैसी प्रोड्यूस करेगी इमेज रियल एंड वर्चुअल वी आई आर टी यू एल वर्चुअल फिफ्थ है अ कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज डैश लेंस कह रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस को हम और क्या कहते हैं स्फेरिकल लेंस एस पी एच आई सॉरी एस पी एच ई आर आई सी ए एल स्फेरिकल नेक्स्ट है राइट रोम फर्स्ट है एवरी स्फेरिकल मिरर हैज डेफिनेट फोकल लेंथ लेंथ कह रहे हैं जितनी भी स्फेरिकल मिरर है उनकी खुद की डेफिनेट फोकल लेंथ है नो सेकेंड है वी कैन टेक वर्चुअल वर्चुअल इमेज इमेज ऑन स्क्रीन स्क्रीन कह रहे हैं कि हम uh, पर देख सकते हैं नो no. थर्ड है आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म वाइट लाइट स्प्लिट इंटू सेवन कलर्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम कह रहे हैं जो सेवन प्रिज्म uh, से जो लाइट पास होती है वाइट लाइट जब वो स्प्लिट होती है सेवन कलर्स में तो उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं राइट right. अ वुडन पॉलिश टेबल इज़ अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट कह रहे हैं एक लकड़ी की पॉलिश टेबल हो तो वो एक अच्छी रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है राइट जब वो पॉलिश होगी तो वो रिफ्लेक्ट कर सकती है पेज नंबर 143 कंप्लीट हुआ नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर है 144 फिफ्थ है इसमें राइट रॉन्ग वी गेट वी कैन गेट बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस विद अ कॉन्वेक्स मिरर कह रहे हैं कि हम दोनों ही रियल और वर्चुअल इमेजेस को देख सकते हासिल कर सकते हैं किससे कॉन्वेक्स मिरर से नो no, दोनों की तरह इमेज नहीं फॉर्म कर सकते हम कॉन्वेक्स मिरर से सिक्स है अ कॉन्केव लेंस इज़ अ मैग्नीफाइंग लेंस कहने कॉन्केव लेंस जो वो मैग्नीफाइंग है नहीं कॉन्वेक्स हैं डी है गिव वन यूज ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग इनके यूज बताने ये इसको कैंसिल कर दिए ई e है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स यानी कि बताइए कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है ए फॉल्स राइट इन करेक्ट फॉर्म कह रहे अगर ये फॉल्स है तो उसको करेक्ट फॉर्म में लिखिए तो इसको यहाँ से क्रॉस कर दें सिर्फ हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है फर्स्ट है अ कन्वर्जिंग अ कन्वर्जिंग लेंस इज अ कॉन्केव लेंस कह रहे हैं जो कन्वर्जिंग लेंस है वो क्या है कॉन्केव लेंस है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर चेक करते हैं कन्वर्जिंग लेंस इज़ अ कॉन्केव लेंस क्या कह रहे हैं कि जो कन्वर्जिंग लेंस है वो कॉन्केव लेंस है तो ये क्या है हमारा ट्रू और जो डाइवर्जिंग लेंस है वो क्या है कॉन्वेक्स लेंस सेकेंड है वाइट लाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवन कलर्स कह रहे हैं जो वाइट लाइट है वो मिक्सचर है सेवन कलर्स का ये भी ये सॉरी ये भी क्या है ट्रू टी आर यू ई ट्रू थर्ड है कॉन्केव लेंस कैन प्रोड्यूस रियल इमेज कह रहे हैं कॉन्केव लेंसेज हैं वो प्रोड्यूस करती हैं रियल इमेज नहीं शॉर्टर इमेज प्रोड्यूस करती हैं तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स एफ ए एल एस ई फॉल्स फोर्थ है एवरी स्पेशल मिरर हैज़ डेफिनेट फोकल लेंथ स्पेशल नहीं है स्फेरिकल मिरर है कह रहे कि जितने भी स्फेरिकल मिरर है उनका खुद का डेफिनेट फोकल लेंथ है फॉल्स फिफ्थ है अ प्लेन मिरर प्रोड्यूस रियल इमेज प्लेन मिरर जो है वो प्रोड्यूस करता है रियल इमेज रियल इमेज फॉर्म होती है प्रोड्यूस प्लेन मिरर में ठीक है नेक्स्ट Question है एफ आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन है गिव कॉमन यूजेज ऑफ कॉन्वैक्स लेंस इसमें हमें क्या बताना है यूज बताना है किसका कॉन्वेक्स लेंस का तो इसका आंसर चेक करते हैं इसका आंसर है कॉपीज ओपन करिए सभी लोग अपनी देखिए पार्ट नंबर शो करेंगे लेसन नंबर फिफ्टीन लेसन नेम लाइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन क्या था कॉमन यूजेस बताने आपको कॉन्वैक्स लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस इज यूज इन कैमराज कैमरा जो होता है हमारा उसमें हम किसके लेंस का यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का प्रोजेक्टर में और एट्सेट्रा यानी कि और भी चीज़ों में हम कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज़ करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर टू वाई इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर कह रहे हैं जो कॉन्वेक्स मिरर है ये आपका रियर व्यू मिरर जो है इसकी तरह क्यों यूज़ करते हैं तो ये क्वेश्चन में आपको कैंसिल कर देना है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर थ्री तो क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है व्हाट इज़ वर्चुअल इमेज देखिए आंसर नंबर वन मैंने यहाँ नोट कर दिया बाकी ये क्वेश्चन मैं आपको बुक में टिक कराऊंगी लेकिन आप लोग को कॉपी में नोट डाउन करने ठीक है स्ट्रेंड्स तो क्वेश्चन नंबर थ्री चेक कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहे हैं व्हाट इज़ वर्चुअल इमेज वर्चुअल इमेज क्या है और इसकी हमें एक एग्जाम्पल देनी है तो 139 पर इसका आंसर गिविन है तो वर्चुअल इमेज देखेंगे हम क्या है और वर्चुअल इमेज की हमें एक एग्जाम्पल भी देनी है ठीक है स्टूडेंट्स तो यहाँ आ जाइए पेज नंबर वन वर्चुअल इमेज द इमेज विच कैन नॉट बी ऑप्टेंड ऑन आई स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज कह रहे हैं वो इमेज जो स्क्रीन पर ऑप्टेंड ना हो इस तरह की इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज और कह रहे हैं इसकी एग्जाम्पल देनी है तो वन आवर इमेज इन अ प्लेन मिरर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज जो हमारे प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो किसकी एग्जाम्पल है वर्चुअल इमेज की तो पहले दी इमेज से लेकर वर्चुअल इमेज तक लिखना है देन आवर इमेज से लेकर वर्चुअल इमेज तक ये आपका है आंसर नंबर थ्री ठीक है नेक्स्ट पेज नंबर 139 नेक्स्ट आ जाइए सेम क्वेश्चन आंसर वाले पेज पर ही क्वेश्चन नंबर है फोर क्वेश्चन नंबर फोर आपको कैंसिल कर देना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव पढ़ेंगे व्हाट इज रेक्टीलियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट ये है आपका 139 हंड्रेड थर्टी प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बताना है देखिए थोड़ा सा लेंथी आंसर है यहाँ से लेकर आपको लाइट तक आंसर नंबर फाइव देना है ठीक है नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट इज रियल इमेज गिव वन एग्जांपल रियल इमेज बतानी और उसकी एक एग्जांपल देनी है वन हंड्रेड थर्टी नाइन पर इसका आंसर है यहाँ पर देखिए पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी नाइन रियल इमेज द इमेज विच कैन बी ऑप्टेंट ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज वो इमेज जो स्क्रीन पर हमें दिख जाए वो कहलाती है रियल इमेज द इमेज ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस ऑन द स्क्रीन इज इन अ सिनेमा हॉल आर द रियल इमेजेस तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया आपका आंसर नंबर सिक्स यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट हो गए सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपको कॉपी में नोट डाउन करने अच्छे से ठीक है यहाँ पर लेसन नंबर फिफ्टीन पार्ट नंबर एलेवन में कंप्लीट हो गया नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे ठीक है थैंक यू